परम गुरु पाठशाला इंग्लिश मीडियम स्कूल सहरसा। माय नेम इज नीलेश राजपूत, स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट नेम हिंदी, यूनिट नंबर 1, टॉपिक यातायात के साधन। स्टैंडर्ड 5 में फर्स्ट चैप्टर यातायात के साधन है। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वह चित्र यातायात के साधन का और बगीचे का है, तो ध्यान से चित्र देखेंगे और उसका अवलोकन करके समझेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे और उत्तर पाएंगे। ये जो चित्र है उस चित्र में साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ऑटो रिक्शा आदि साधन दिखाई देते हैं। बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल दिखाई देते हैं। फिर से देखें ध्यान से, इस चित्र में मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ट्रेन आदि दिखाई देता है और बगीचे के चित्र में कई सारे पुष्प दिखाई देते हैं, जैसे चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल दिखाई देते हैं। गुड़हल को जासूस भी कहते हैं। दूसरा चित्र है जिसमें बस दिखाई देती है सड़क पर और ऑटो रिक्शा दिखाई देती है। पास में समुद्र में नाव दिखाई देती है, जहाज दिखाई देता है, जहाज को स्टीमर भी कहते हैं। अब चित्र के आधार पर थोड़ी प्रश्नोत्तरी करेंगे और उसका आंसर पाएंगे। चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। जैसे बनाई हमने चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि। सेकेंड क्वेश्चन, चित्र के चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाना है, जैसे कमल, गेंदा, बारहमासी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, चित्र देखकर यातायात के साधन की सूची बनाना है, जैसे बनाई हमने साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, नाव, जहाज। फोर्थ क्वेश्चन, यातायात के साधन के वो नाम बताना है जो चित्र में नहीं है, जैसे तांगा नहीं, बैलगाड़ी नहीं, ऊंटगाड़ी नहीं आदि। अब आगे आपने कौन से फूल देखे हैं तो उनका नाम लिखना है, जैसे गुलाब, मोगरा, गेंदा, बारहमासी, रातरानी, कमल आदि। सेकेंड क्वेश्चन, फूल किस किस रंग के होते हैं, तो आंसर में लिखेंगे फूल लाल, सफ़ेद, पीले, गुलाबी आदि रंग के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है, तो आंसर में देखेंगे वो फूल है सूरजमुखी, जिसे इंग्लिश में सनफ्लावर कहते हैं। आप कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं, तो हम ज़्यादातर बस, हवाई जहाज, ट्रेन, हेलीकॉप्टर आदि।
में बैठना पसंद करते हैं। हाय क्वेश्चन, हमको फूल क्यों पसंद है? क्योंकि फूल में से सुगंध आती है, फूल हमें खुशबू देते हैं। सिक्स क्वेश्चन, फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो आंसर में लिखेंगे, फूल का उपयोग भगवान के चरणों में रखकर तरह हार चढ़ाने के लिए और बालों में लगाते हैं। अब यहाँ पर एक चरवाहा है, उसका चित्र दिया गया है और उस चित्र के आधार पर कहानी बनाना है। तो कहानी इस प्रकार बनेगी, एक चरवाहा है, वो भेड़ बकरी चरा रहा है। अब उसे मस्ती सूझती है तो हर रोज आसपास के गांव के लोगों को झूठी आवाज़ निकाल कर शेर आया, बाघ आया, बाघ आया, ऐसा बुलाकर लोगों को इकट्ठा करता है। बाद में ये भी कहता है कि मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। चरवाहा जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चराने ले जाता हर रोज। चरवाहा बहुत ही शरारती था, वह जहां अपनी भेड़ बकरियां चराता था वहां आसपास के खेत में कई लोग काम करते थे। एक दिन चरवाहे को शैतानी सूझी, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बाघ आया, बाघ आया। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के खेत वाले उसकी मदद करने डंडा पावड़ा आदि लेकर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं आया था। उनको देखकर चरवाहा जोर जोर से हंसने लगा। चरवाहा ने ऐसा दूसरी बार भी किया, किसान को निराश वापस लौटा देखकर वह हंसा। एक दिन सचमुच का शेर आया, वह चिल्लाया, लेकिन आज उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। सब लोग मजाक समझकर अपने काम में व्यस्त हो गए और बाघ ने आकर उसकी सारी भेड़ बकरियों को फाड़ डाला। बाघ भेड़ और बकरियों को खा गया। उसे बहुत पछतावा हुआ, उसे पता चला कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, मजाक करना नहीं चाहिए, वरना झूठ और मजाक एक दिन बड़ा भारी पड़ सकता है। तो इस स्टोरी से ये संदेश मिलता है कि हमें कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए, सदैव सच ही बोलना चाहिए। लोगों के पास कभी भी झूठ और मजाक करना नहीं चाहिए, वरना चरवाहे की तरह हमें भी भारी पड़ सकता है। इस कहानी को आप नोटबुक में लिख सकते हैं इस पिक्चर के आधार पर। फिर से मैं ये कहानी का कथन करता हूँ, आप सुने। एक चरवाहा था, वह हर रोज जंगल में अपनी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए जाता था। चरवाहा बहुत ही शरारती था, वह जहाँ अपनी भेड़ बकरियाँ चराता था वहाँ आसपास के खेत में कई लोग काम करते थे। एक दिन चरवाहा को शैतानी सूझी, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बाघ आया, बाघ आया। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के खेत वाले उसकी मदद करने के लिए डंडा पावड़ा आदि लेकर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं आया था। उनको देखकर चरवाहा जोर जोर से हंसने लगा। चरवाहा ने ऐसा दूसरी बार भी किया,
किसान को निराश वापस लौटता देखकर वह हंसा। एक दिन सचमुच का शेर आया, वह चिल्लाया, लेकिन आम आज उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। सब लोग यही समझने लगे कि चरवाहा मजाक कर रहा है। बाघ उसकी बकरियां और भेड़ को खा जाता है। अब इस कहानी के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो इस प्रकार पुस्तक में दिया है उसका आंसर, हम उसकी पूर्ति करेंगे। पुस्तक में लिखा है बूरी, कोई, चिल्लाहट, मजाक, चरवाहा और गुजारा। तो फर्स्ट ब्लैंक देखेंगे, करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। फर्स्ट में चरवाहा। सेकंड, चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। सेकंड में गुजारा। थर्ड, एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। थर्ड में मजाक। फोर नंबर, चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर खेतों से लोग दौड़ाए। फोर में चिल्लाहट। फाइव, जब सचमुच में बाघ आया तो कोई नहीं आया। फाइव में कोई। सिक्स ब्लैंक, चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। सिक्स में बुरी। यातायात के अंग्रेजी नामों के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम लिखना है, जैसे कैमल कार तो ऊंट गाड़ी, एरोप्लेन तो हवाई जहाज, हॉर्स कैरेज तो तांगा, लॉक कार्ड तो बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल, ट्रेन तो रेलगाड़ी, बस तो बस, स्कूटर तो स्कूटर, शिप तो जलियान, बाइसिकल तो साइकिल।